हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इन दिस वीडियो वी विल कवर सेक्शन 194N, जो कि है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, पोस्ट ऑफिस, कहीं से भी अपन जब कैश विड्रॉ करते हैं, कोई भी पर्सन जो कैश विड्रॉ करता है तो वो किस रेट से टैक्स कटेगा एंड किस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद कटेगा टैक्स, बिकॉज एक पर्टिकुलर लिमिट है, उसके बाद बैंक के ऊपर लाइबिलिटी है कि उसको टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो कौन सी रेट एप्लीकेबल होगी किस सिचुएशन में, उसकी बात करेंगे इन दिस वीडियो। तो जैसे जैसे आप कैश विड्रॉ कराते जाते हैं अपने बैंक अकाउंट से, देन उस केस में क्या होगा, जैसे ही आपका एग्रीगेट अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है, देन उस केस में बैंक आपका टैक्स डिडक्ट करेगी। बट अगर वो अमाउंट आपका टोटल एग्रीगेट इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ तक ही है, देन उस केस में बैंक जो है आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगी। ओके, एंड 1 करोड़ जब एक्सीड हो जाएगा, उसमें भी जो एक्सेस अमाउंट है, यानी 1 करोड़ के ऊपर का जो अमाउंट है, उस केस में आपको जो एक्सेस है ओवर 1 करोड़, उस पर 2% का TDS डिडक्ट करेगी बैंक। यानी बैंक के ऊपर लाइबिलिटी रहती है कि जैसे ही 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश विड्रॉल हो, उसके बाद जो एक्सेस है 1 करोड़ से ज़्यादा का, उस पर 2% TDS डिडक्ट होगा। ओके, तो ये ऐसा नहीं है कि कोई टैक्स कट रहा है आपका या आपका कोई नुकसान हो रहा है, आपकी जो लाइबिलिटी है उसमें से ऑब्वियसली जो वो है एडजस्ट हो जाएगा। अगर टैक्स लाइबिलिटी नहीं भी बनती, देन वो रिफंड हो जाएगा। ओके, और इसमें फॉर एग्जांपल 1 करोड़ 10 लाख अगर एक पर्सन विड्रॉ कर लेता है एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, तो बैंक क्या करेगी, जैसे ही एक्सीड होगा, सपोज़ कीजिए 1 करोड़ का टोटल अभी तक कैश विड्रॉल हो चुका है एंड उसके बाद 10 लाख और विड्रॉ किया है करे किसी पर्सन ने, देन उस केस में क्या होगा, जो एक्सेस है ओवर 1 करोड़, उस पर 2% का TDS डिडक्ट होगा। कितना, 20,000। ओके, यानी 10 लाख इंटू 2%, 20,000 का TDS डिडक्ट होगा एंड बाकी का जो अमाउंट है वो उस पर्टिकुलर पर्सन को विड्रॉ करते टाइम दे दिया जाएगा। यानी ये TDS डिडक्ट कब होगा, एट द पॉइंट टाइम ऑफ पेमेंट। ओके, मतलब जैसे ही वो पेई को पेमेंट करेगा बैंक तब। तो ये तो था नॉर्मल केस। अब एक और केस की बात करते हैं, अगर पेई यानी जो कैश विड्रॉ कर रहा है वो अगर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करता है इन ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, यानी जो प्रीवियस ईयर है जिसका वो टैक्स फाइल कर रहा है, उसका उसके भी पहले के 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ओके, यानी प्रीवियस ईयर के पहले के 3 साल, तीनों साल अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है, देन उस केस में क्या होगा, 20 लाख से ज़्यादा एक्सीड करते ही, यानी उसकी जो कैश वो विड्रॉ कर रहा है अगर वो 20 लाख से ज़्यादा हो जाता है, देन उस केस में क्या होगा, 20 लाख के एक्सेस जितना भी अमाउंट है उस पर 2% का लगेगा अप टू 1 करोड़। ओके, यानी 20 लाख से जैसे ही एक्सेस उसने विड्रॉ किया, उसके बाद 2% TDS डिडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और अप टू 1 करोड़ 2% ही लगेगा। ओके, एंड जैसे ही 1 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड हो गया, देन उस केस में क्या होगा, एक्सेस ऑफ 1 करोड़ 5% का TDS लगेगा। ओके, तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे और ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी आपको। तो एग्जांपल अमाउंट वही रखते हैं जो पिछली वाली स्लाइड में था। ओके, 1 करोड़ 10 लाख का एक पर्टिकुलर पर्सन ने विड्रॉ किया कैश, एंड लास्ट वाले केस में क्या था, उसमें सीधा 2% का लग रहा था एक्सेस ऑफ 1 करोड़। बट इस केस में उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है अपना, ऑल 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर उसने रिटर्न फाइल ही नहीं किया है। तो अब इसमें TDS कैसे डिडक्ट होगा, एक्सेस ऑफ 20 लाख 2% लगेगा अप टू 1 करोड़, तो कितना हो गया, 80 लाख पे 2% लग जाएगा, राइट। और अगर 1 करोड़ से एक्सेस होता है देन कितना लगता है, 5%, तो उस केस में 10 लाख के ऊपर, मतलब जो 1 करोड़ के ऊपर कितना है, 10 लाख, तो उस पर 5% लग जाएगा। एंड यही पिछली स्लाइड में कितना लग रहा था, सीधा सीधा जो एक्सेस ऑफ 1 करोड़ है उस पर 2% लग रहा था, राइट। यानी इस केस में ज़्यादा लग रहा है बिकॉज उसने रिटर्न फाइल नहीं किया है। ओके, तो टोटल TDS कितना डिडक्ट हो जाएगा, 2,10,000। ओके, अगर टोटल करेंगे आप 80 लाख इंटू 2% प्लस 10 लाख इंटू 5%, देन 2,10,000 का TDS जो है वो डिडक्ट हो जाएगा।